नमस्ते, आज हम आपको दिखा रहे हैं HDPE पाइप बिल्डिंग मशीन हाइड्रोलिक। ये डेमो वीडियो में जो मशीन दिखाई गई है वो 200 mm की हाइड्रोलिक मशीन है, मेड इन इंडिया मशीन है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी इधर लिखी होती है, कौन सा ऑयल डालना है, कौन से वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, क्या केयर लेनी रहती है मशीन को, और उसका जो वेल्डिंग चार्ट है वो ड्रॉ किया हुआ है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए जो स्विच है, ये प्रेशर बढ़ाने और कम करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व है। इसको घुमाएंगे तो बढ़ता जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कम होता जाएगा। ये है जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल 60 kg प्रेशर रख रहे हैं और आपको उसको 40 करना है, तो प्रेशर में मशीन आप इसको खोल के और फिर टाइट करेंगे, जब तक 40 आ जाएगा फिर टाइट कर देंगे तो वो 40 पे आ जाएगा। ये एग्जांपल दिया है, आप उसमें किस तरह से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। बेसिक फोर क्लैंप मशीन आता है, स्टडी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, डिजिटल हीटर के साथ आता है, उसका स्टैंड आता है और कटर आता है जो पाइप फेसिंग यूनिट भी कहलाता है। ये सॉकेट्स है जहाँ पे ये जो मशीन के सॉकेट है वो अंदर चले जाएंगे इस तरह से। ये ऑयल फिल करने का रिफिल टैंक है। ये मेन MCD स्विच है ऑन करने के लिए, और ये जो है वोल्टेज दिखाएगा जनरेटर में से या कहीं भी किसी भी लाइन में से आपका कितना भी वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और कितना एम्पियर मशीन ले रही है वो भी डिस्प्ले होगा। अभी हम लोग QRC कनेक्ट कर रहे हैं। ये मशीन को ऑन करते हैं, यहाँ पे 228 वोल्ट आ रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। अभी मशीन जो है हम लोग फॉरवर्ड में लेके जाएंगे। अब ये मूवमेंट जो है इसमें हम ये घुमाते जाएंगे और ये जो है मशीन आगे जाता जाएगा, उसको ड्रैग प्रेशर बोलते हैं। ये देखिए ये प्रेशर हो गया, इसी तरह से मशीन को रिवर्स करना है। ये प्रेशर गेज में जो है आपको प्रेशर दिखाएगा, कितना प्रेशर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाते जा सकते हैं। भी आपको 100 kg सिस्टम होता है इसमें, इसी तरह से ये ऑपरेट होता है। ये देखिए मशीन में प्रेशर जनरेट होता है, उसी तरह से फिर आपको अगर उसको रिलीज़ करना है तो उसको आप कम करके इस तरह से आप रिलीज़ कर सकते हैं उसको। इस तरह से आप रिलीज कर सकते हैं, ये वापस आप बढ़ा सकते हैं जो है। ये मैं दोबारा रिलीज करता हूँ और ये देखिए ये हो गया। हाँ, फिर वापस बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा के इसको मैं यहीं से आपको रिलीज़ कर सकता हूँ, जितना चाहिए उतना रख के उसको फिर मैं टाइट कर दूँगा, वहीं पे रह जाएगा। इस तरह से ये पूरा मशीन जो है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। अब हम आपको ये हीटर और कटर कैसे कनेक्ट करना है वो दिखा देते हैं। इसी जगह पे आपको यहाँ पे जो है उसका ऑन ऑफ स्विच है, दोनों का इंडिविजुअल। ये ऑन करने के बाद आप इसी को ऑन करके ये देखिए हीटर स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे, इस
इस तरह से आप इसका कटर भी यूज़ कर सकते हैं।